हेलो स्टूडेंट्स द न्यू चैप्टर टेबल्स एंड शेयर्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे देखो जिसमें ये आपको फर्स्ट दिख रहा है शामाज गार्डन श्यामा का गार्डन है इसमें इसने क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ़्लावर्स बोल रखे हैं जैसे सबसे ऊपर बोल रखा है इसने सनफ्लावर प्लांट उसके बाद इधर रोज़ और सबसे नीचे में मैरीगोल्ड तो ये अलग अलग फ्लावर बेड्स हैं फर्स्ट फ्लावर बेड ये है आपको अभी दिखाती हूँ मैं फर्स्ट ऊपर वाला एक फ्लावर बेड ये है ये सेकेंड फ्लावर बेड और ये थर्ड फ्लावर बेड ये उसके गार्डन में तीन अलग अलग फ्लावर बेड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स उसने लगाए हैं ठीक है तो वन बाय वन हम आ, देखते हैं कि कैसे इसने फ्लावर्स लगाए हैं श्यामा ने ठीक है तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ये फर्स्ट फ्लावर बेड जो क्या है सनफ्लावर सनफ्लावर प्लांट सनफ्लावर फ्लावर्स का उसने लगाया है इसमें क्या किया उसने आप काउंट करोगे तो इसमें टोटल एटीन फ्लावर्स लगा रखे हैं उसने एटीन प्लांट्स लगा रखे हैं सनफ्लावर के ठीक है तो एटीन प्लांट्स वन रो में लगाए कितनी रो है ये कितनी लाइन है वन लाइन है ठीक है एक बार आप क्वेश्चन था दोबारा से आप पढ़ लीजिए देखो श्यामा हैज प्लांटेड सनफ्लावर रोज़ एंड marigold प्लांट्स इन हर गार्डन she हैज़ planted them इन थ्री flower beds हर गार्डन लुक्स लाइक दिस जो आपको दिख रहा है ठीक है सी हाउ आई प्लांटेड एटीन प्लांट्स इन ईस्ट फ्लावर बर्ड्स सभी में उसने कितने लगा रखे हैं एटीन प्लांट्स लगा रखे हैं लेकिन देखो तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको फर्स्ट वाला जो है वन रो में आपने वन रो में इसने लगाए हैं वन रो है सेकेंड वाले में देखो कितने रोज हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स हाउ मेनी रोज इन दिस सेकेंड वाले फ्लावर बेड में तो सेकेंड में कितने हैं सिक्स रोज है और हर एक में कितने हैं थ्री है थ्री प्लांट है, है. ऐसे थर्ड वाली जो प्लांट फ्लावर प्लांट है इसमें कितने रोज हैं टू रोज है ठीक है टू रोज रोज मतलब ये जो लाइन है पहली और दूसरी दो लाइन पे लगा रखे इनको हम बोलते हैं रो रो मींस आर ओ डब्ल्यू रो ठीक है तो वन रो हो गई और सेकेंड क्या हो गए सिक्स रोज ठीक है तो रो हो गई तो इसमें हम देखते हैं टोटल कैसे कैसे इसमें प्लांट लगा रखे हैं देखो अरेंजमेंट अलग अलग अरेंजमेंट सभी में एटीन प्लांट्स लगा रखे हैं इसमें भी एटीन है वन रो है और टोटल मिला के एटीन प्लांट्स है इसमें इसमें कितने हैं सिक्स रोज हैं और हर एक रो में कितने प्लांट हैं थ्री प्लांट है देखो थ्री इसमें थ्री टू जा तो इसमें देखो फिर फिर से थ्री ऐड कर दिया हमारा सिक्स हो गया फिर थ्री हमने इसमें और लगा दिया उसने लगाए हैं श्या ने तो नाइन हो गए फिर इसम इसको भी आप काउंट कर ले तो ट्वेल्व हो गए फिर फिफ्टीन एंड एटीन टोटल मिला के कितने हैं सिक्स रोज़ में एटीन प्लांट्स लगा रखें एटीन रोज़ के प्लांट लगा रखें ठीक है और एटीन सनफ्लावर के और इस वाले में लास्ट वाले में हम देखें अगर तो टू रोज लगा रखी है टू रोज हैं लाइंस हैं टू रो में कितने प्लांट्स लगा रखे हैं वन रो में अगर काउंट करोगे तो देखो इसको आप अच्छे से काउंट करके देख लेते हैं चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दोनों में नाइन है दैट मीन्स टू रोज हैं और एक रो में कितने हैं नाइन है ठीक है एक वन रो में नाइन है एक लाइन पे नाइन है तो टोटल मिला के कितने गए नाइन उस पर नाइन नीचे वाली लाइन दो लाइन पे टोटल मिला के कितने हो गए एटीन दैट मीन्स एटीन ही प्लांट्स लगा रखे हैं तीन तरीके के फ्लावर में एटीन एटीन प्लांट्स लगा रखे हैं लेकिन तीनों अरेंजमेंट अलग अलग है देखो एक में एक ही लाइन बना रखी है एक में सिक्स सिक्स लाइन्स हैं एक मैरीगोल्ड वाले दो लाइन में लगा है ठीक है तो हम

कितने वेज कितने जिसमें प्लांट कर रखा है कैसे प्लांट कर रखा है सनफ्लावर वन रो है सनफ्लावर की वन रो है और एक रो में कितनी है एटीन तो सो देअर इज वन रो विथ एटीन प्लांट्स ओके और अगर हम दूसरा देख ले मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड की हम ये सनफ्लावर का हमने लिख लिया है मैरीगोल्ड देखे ये मैरीगोल्ड सबसे नीचे वाली थी ठीक है तो ये मेरी गोल्ड तो कितनी लाइन है टू लाइंस हैं टू रोज हैं एटीन प्लांट्स टोटल लगे हैं टू रोज है और हर एक रो में कितनी है नाइन दैट सो देयर आर टू रोज विथ नाइन प्लांट्स ईच ओके ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर वन नाउ क्वेश्चन नंबर टू अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर टू हम डाल लेते हैं इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा आ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर टू हम डाल लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर वन हो गया अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन नंबर वन ये है क्वेश्चन नंबर टू ये ठीक है।, है तो नाउ क्वेश्चन इज यू टू कैन मेक यूर ओन गार्डन अपना एक गार्डन बनाओ ड्रॉ ए गार्डन ड्रॉ ए गार्डन शोइंग फ्लावर बेड्स विथ फोर्टी एट प्लांट्स एंड ईच रोज शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स और जितने भी लाइन्स आप लाइन रो, रोज में आप प्लांट्स लगाओगे सभी रोज में कित, कितने होने चाहिए प्लांट्स सेम होने चाहिए मतलब एक रो में अगर फाइव है तो दूसरे में भी सभी में फाइव 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 होने चाहिए अगर सिक्स है तो सिक्स 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 होने चाहिए फोर है तो फोर 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 सभी लाइन्स में सभी रोज में उतने ही सेम प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम आप आप यहाँ से लिखिएगा क्वेश्चन ड्रॉ अ गार्डन शोइंग ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू और इस ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ़ प्लांट्स और कितने टोटल प्लांट्स कितने होने चाहिए फोर्टी एट ठीक है जैसे क्वेश्चन नंबर वन में एटीन था टोटल प्लांट्स एक टाइप का प्लांट एटीन था वैसे ही इसमें हम हमने फोर्टी एट लगाने हैं प्लांट्स ठीक है आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से आप ड्रॉ कर सकते हो तो ये आप अपनी कॉपी में करोगे क्वेश्चन नंबर टू इधर मैंने आपको करके एक मेथड तो दिखा रखा है मैंने देखो फोर्टी एट प्लांट्स लगाने हमने ठीक है तो हमने क्या किया पहली रो में सिक्स प्लांट्स लगा रहे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लगा दी इसमें सिक्स फर्स्ट में सिक्स फिर सेकंड में सिक्स सभी में सेम होना चाहिए तो सिक्स तो ऐसे करते करते कितने हो गए टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट लाइंस लगाए मतलब अगर हम सबको काउंट कर लेंगे तो टोटल मिला के कितने हो जाने चाहिए फोर्टी एट अब देखो फर्स्ट में सिक्स सिक्स लगाए तो सिक्स वन जा सिक्स सेकेंड को हम मिला ले तो सिक्स टू जा ट्वेल्व ऐसे थ्री को हम मिला ले तो एटीन हो गए फिर फोर्थ को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर ऐसे ही हम फाइव को फाइव रोज हम काउंट करेंगे तो थर्टी हो गए तो सारे काउंट जब हम सिक्स एट टाइम्स में हम काउंट कर रहे हैं तो टोटल मिला के हमारे पास फोर्टी एट प्लांट्स बन जा रहे हैं ठीक है तो, तो दैट मीन्स हम इस तरीके से प्लांट्स को हम अपने गार्डन में इस तरीके से प्लांट्स लगा सकते हैं तो ये आप अपनी नोटबुक में ड्रा करोगे और सबसे नीचे सबसे ऊपर में फोर्टी एट प्लांट्स लिखोगे एट क्वेश्चन नंबर उसके बाद आंसर लिखोगे आंसर में इनको आपने अपना गार्डन ड्रॉ कर लेना है ठीक है और उन फ्लावर बेड्स को आपने शो करना है विथ फोर्टी एट प्लांट्स तो ये तो एक मेथड हो गया इसके अलावा दूसरे तरीके से भी कर सकते हो सो so, और लास्ट में लिखोगे सो देयर आर एट रोज विथ सिक्स प्लांट्स ईच देखो एट रोज है रोज मतलब कितनी लाइन में लगा रखे देखो पहली लाइन ये हो गई ये वाली पहली लाइन हो गई ये वाली पहली लाइन हो गई देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पहली लाइन हो गई ये दूसरी लाइन हो गई ठीक है ऐसी ये तीसरी लाइन हो गई ये चौथी लाइन चौथी रो हो गई ये फिफ्थ रो ये सिक्स्थ र... ये सिक्स्थ रो सेवन्थ रो एंड एट्थ रो

क्वेश्चन नंबर टू को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आंसर भी आप ड्रॉ करेंगे नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज इज इसमें 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 देखो is, इस जार बना हुआ है एक शेल्फ बना हुआ है शेल्फ फॉर थर्टी जार्स एक थर्टी जार्स का के लिए उसने एक शेल्फ बनाया जिसमें दो रोज है देखो दो लाइन पे रखे शेल्फ में दो शेल्फ है मतलब एक ऊपर में एक नीचे में दो उसने पार्ट्स बना रखे हैं एक शेल्फ में तो ऊपर वाली लाइन पे हमने काउंट किया कितना आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सब काउंट कर लोगे तो इसमें आ रहा है ऊपर वाली लाइन पे कितने जार्स रखे हुए हैं फिफ्टीन जार्स ऊपर वाले में रखे हैं फिफ्टीन जार्स नीचे वाली पे रखे हैं तो टोटल मिला के कितने चार्स होोगे फिफ्टीन टू जा थर्टी थर्टी जार्स रखें तो टोटल मिला के थर्टी जार्स को दो रो में इस तरीके से रखा है अब क्वेश्चन ये है, है क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी इसमें नहीं लिखा है आपके लेकिन आपकी बुक में लिखा होगा आपकी बुक में आप चेक करोगे तो आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री इज़ कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू मेक अ शेल्फ़ टू कीप थर्टी जार्स क्या आप इस और कोई शेल्फ़ बना और कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिसमें आप थर्टी जार्स को रख सको तो ड्रॉ अ शेल्फ सो हाउ मेनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो हाउ मेनी रोज आर देयर तो आप अपनी कॉपी में इसको क्वेश्चन नंबर थ्री को करेंगे आपको क्या करना है इसमें आपको टोटल मिला के थर्टी जार्स रखने हैं और उसके लिए आपने क्या बनाना है शेल्फ बनाना है तो अभी तो ये टू रोज वाली शेल्फ थी टू वाली शेल्फ थी आप कितनी बना सकते हो अलग अलग तरीके से बना सकते हो आप चाहे तो आप फाइव रोज वाली भी बना सकते हो देखो फाइव मैंने इसमें बना दिए शेल्फ वन वन टू थ्री फोर फाइव शेल्फ और सभी शेल्फ में आपको क्या रखना है जार तो जार आप ड्रॉ करोगे इसमें आप अच्छे से जार ड्रॉ कर लेना अभी तो मेरे इसमें अच्छे से ड्रा नहीं हो पाएगी आप अच्छे से इसमें जार ड्रॉ कर लेना तो जार ड्रा करोगे इसमें तो कितनी जार्स आएंगी आप देखो फाइव लाइन फाइव आपके शेल्फ में फाइव पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव पार्ट्स हैं तो आप थर्टी को अगर आप फाइव पार्ट्स में डिवाइड करोगे दैट मीन्स फ़ाइव के टेबल बोलो आप तो कितने टाइम जाएगा फ़ाइव सिक्स थर्टी फाइव सिक्स थर्टी होगा That means six. आपके एक आ, रो पे कितनी जार्स आएंगी? ठीक है. तो आप फर्स्ट वाले पे आप जार ड्रॉ कर लेना फिर उसमें आपके ड्राइंग बनाओगे कितने जार्स सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जार्स इसमें आ जाएगी ऐसी six इसमें आ जाएंगी सिक्स जार्स सिक्स जार्स इसमें सिक्स इसमें सिक्स इसमें और सिक्स इसमें इसको पूरा अच्छे से आप लोग ड्रॉ करेंगे ठीक है इसको अच्छे से आप लोग ड्रॉ करिए जार्स बनाइए जैसे अभी छोटे छोटे बना रखे हैं ऐसे आप जार्स बना लीजिए तो टोटल मिला के कितने जार्स हो गए सिक्स फाइव या सिक्स रोज फाइव रोज हैं और हर एक रो में सिक्स जार्स हैं तो फाइव सिक्स या थर्टी तो इस तरीके से भी आप जार्स बना सकते हो आप चाहे तो आप ये uh, फाइव uh, yeah, uh, की जगह में सिक्स भी बना सकते हो सिक्स रो शेल्फ अगर बनाया आपने अगर आपने शेल्फ बनाई और उसमें आपने सिक्स पार्ट्स कर लिए ठीक है कितने पार्ट्स कर लिए सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट कर लिए तो अब क्या हो जाएगा आंसर अलग आ जाएगा अब सिक्स है तो हर एक में कितने आ जाएंगे फाइव वन टू थ्री फोर फाइव जिक्स इसमें आ जाएंगे ऐसी फाइव ऊपर वाले में फिर फाइव नीचे वाले में ऐसी तीसरे में फोर्थ में फिफ्थ में फिर सिक्स में दैट मींस फाइव रोज और फाइव uh, है और सिक्स रोज है तो फाइव सिक्स थर्टी फिर से आपके पास सिक्स थर्टी uh, हजार से इसमें आ जाएंगे तो अलग अलग कई तरीके से आप लोग रख सकते हैं अगर आप दो, दो रोज थी तो कितने रखे फिफ्टीन फिफ्टीन अगर थ्री रोज अगर इसमें बनाओगे तब कितनी आएंगी हम चेक कर लेते देखो अगर आप दो के बजाय क्या करो आप थ्री रोज़ बना लो थ्री रोज तो आपके हर एक शेल्फ में कितनी आ जाएंगी आपको टोटल थर्टी रखना है तो आपको कितना रखना पड़ेगा वन वाले फर्स्ट वाले में टेन रखना टेन जार्स रखने पड़ेंगे सेकंड में टेन जार्स और थर्ड में टेन जार्स तो टेन 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 टोटल कितने होंगे थर्टी जार्स ठीक है तो जब भी जो भी आप ड्रॉ करोगे उसमें आपने ड्रॉइंग बनानी है नंबर ले लिखना टेन जार्स इसमें बना लोगे टेन जार्स नीचे वाले में टेन जार्स इसमें टोटल मिला के थर्टी मतलब कि आप डिफरेंट डिफरेंट रोज़ अगर अलग होंगे तो नंबर ऑफ जार्स भी अलग अलग हो जाएंगे तो अरेंजमेंट अलग अलग होगा ठीक है अगर हम देखें तो थ्री थ्री टेन थ्री थ्री टेन जा थर्टी देखो टेबल बन जा रही है एक तरीके से ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री जार वाला क्वेश्चन जो है आप अब इसमें क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है इस जार वाले क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में करेंगे नोटबुक में करेंगे नेक्स्ट इसमें बहुत मजेदार ट्रिक है आप देखिए फर्स्ट वाले में ऊपर में क्या लिखा हुआ है अगर आप देखोगे फर्स्ट में तो ये नंबर्स को आप देखो तो क्या है इसमें टू की टेबल बनी हुई है टू 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 वन जै टू 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 जा फोर टू थ्री जै सिक्स टू फोर जै एट टू फाइव जै टेन देखो ट्वेंटी तक टेबल बनी हुई है नीचे वाली लाइन पे देखो फाइव की टेबल बनी हुई है फाइव फाइव वन जरा फाइव फाइव टू जै टन फाइव थ्री फिफ्टीन इसी तरीके से ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी बनी हुई है ठीक है अब ट्रिक ये है अगर आपके पास दो टेबल आपको टू की टेबल आती है फ़ाइव की टेबल आती है और अगर आपको सेवन की टेबल नहीं आती है सपोज़ तो आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को अगर आप प्लस करो चलो मैं एक बार इरेज करके आपको क्लियरली दिखाती हूँ इफ़ यू ऐड दिस टू तो क्या होगा देखो अब अगर आप इन दोनों को प्लस कर रहे हो टू को और फाइव को प्लस करोगे तो सेवन आएगा इफ यू ऐड दिस टू टू जा फोर और फाइव टू जा टेन अब टू की टेबल और फाइव की टेबल आती है अब टेन और फोर को प्लस किया तो फोर्टीन आया ऐसे अगर इन दोनों को प्लस करोगे आप तो क्या आएगा देखो फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन और फिर से इन दोनों को प्लस करो ट्वेंटी और एट ट्वेंटी एट और इन दोनों को प्लस करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा ट्वेंटी थर्टी फाइव तो इस तरीके से जब आप सारे नंबर्स को प्लस कर लोगे इफ़ यू एड ऑल दीज नंबर्स देन यू विल गेट द टेबल ऑफ सेवन आपकी सेवन की टेबल कंप्लीट बन जाएगी दैट मीन्स अगर आपको कोई टेबल नहीं आती है तो उनसे छोटी दो टेबल्स जिनको ऐड करके वो नंबर बन रहा है जैसे फाइव और टू को ऐड करके सेवन बन रहा है तो सेवन की टेबल आपको मिल जाएगी इससे अगर जैसे ये है नेक्स्ट फोर और थ्री अब फोर और थ्री को प्लस करेंगे तो कितना आता है फिर से सेवन आता है हमारे पास तो अब अगर फोर की टेबल आपको आती है थ्री की टेबल आती है और उनको इसी तरीके से जैसे हमने टू और फाइव को प्लस किया उसी तरीके से हम ऐड करेंगे तो हमको सेवन की टेबल इधर मिल जाएगी ठीक है तो इसको आप अपनी बुक में कर लीजिए फोर की टेबल लिख लीजिए जैसे हम अगर लिख लेते चलो हम करके दिखाते हैं करके देख लेते हैं आ, फोर की टेबल हम लिख लेते हैं पहले तो क्या हो जाएगा फोर वन जाए फोर टू एट फोर थ्री जा ट इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग ट्वेल्व सिक्सटीन फोर फाइव जा ट्वेंटी और इसी तरीके से हम मैं इसको भी लिख ले रही हूँ साथ में नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी फ़ोर और इसमें अगर हम और आगे बढ़ जाते हैं तो ट्वेंटी एट थर्टी टू थर्टी सिक्स एंड फोर्टी इसको अच्छे से लिखिए आप लोग ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी सेवन देन थर्टी अब हम अगर इनको क्या कर ले रहे हैं जैसे अभी किया है वैसे ही वन बाय वन हम इनको ऐड कर ले रहे हैं ठीक है इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं सेवन आ गया इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो फिर से हमारे पास क्या आ गया फोर्टीन आ गया इन दोनों को हम ऐड कर रहे तो फिर हमारे पास क्या आ गया ट्वेंटी वन फिर से हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ गया ट्वेंटी एट इस तरीके से अगर आप ऐड करते जाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आपको टेबल मिल जाएगी किसकी फोर की टेबल मिल जाएगी आपको ठीक है तो इसको हमने ऐड करते गए हम लोग देखो टू प्लस फोर सिक्स थ्री प्लस टू फाइव सिक्स प्लस सेवन थर्टीन थ्री लिख दो थ्री प्लस टू फाइव और वन ऐड एड़, कैरी एड होके सिक्सटी थ्री ऐसे फोर्टी प्लस थर्टी सेवेंटी सेवेंटी तो दैट मीन्स कि जब भी आपको कोई बड़ी टेबल आपको बनानी है और आपको लिखनी है और आपको टेबल नहीं आ रहा है तो दो छोटी टेबल को आप यूज़ करके बना सकते हो ठीक है इसमें ये बड़ी अच्छी ट्रिक है देखो दो टेबल अब इसी तरीके से अगर सपोज़ आपको टेन की टेबल तो आपको सबको आती होगी है ना तो अब हम यूज़ कर लेते देखो अगर हम टेन की टेबल आती है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी हंड्रेड टेन की टेबल तो सभी को आती है और अगर हम इसके साथ हम इसमें लिख रहे हैं लेट अस राइट सिक्स 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 वन जा सिक्स की टेबल हम लिख लेते हैं अगर तो सिक्स वनजा सिक्स लिखते जाएंगे अगर हम ये होगी आपकी सिक्स की टेबल ठीक है आपको दो टेबल आती है टेन की टेबल भी आती है सिक्स की टेबल भी आती है लेकिन सिक्सटीन की टेबल नहीं आती तो आप क्या करोगे अब इन दोनों इन सबको हम अगर प्लस कर देते हैं ठीक है नाउ एड दिस सबको हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा आप देखो अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन ओके टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन होता है तो अब आप जब सबको ऐड करोगे तो सिक्सटीन की टेबल बन जाएगी इसमें ठीक है अब ऐड करो देखो ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व कितना हो गया थर्टी टू फिर से ऐड करो तो क्या बन गया फोर्टी एट और इनको भी ऐड कर, तो कर दिया तो क्या बना सिक्सटी फ़ोर फिफ्टी प्लस थर्टी कितना हो गया एट्टी और इसको भी ऐड कर दिया तो क्या बना नाइन्टी सिक्स इसी तरीके से सबको हमने ऐड कर दिया देखो हमें सिक्सटीन की टेबल नहीं आती थी लेकिन हमने लिख लिया इसको सेवन प्लस फ़ोर कितना हो जाएगा एलेवन और इसी तरीके से इनको ऐड करेंगे एट और एट प्लस फ़ोर ट्वेल्व और इस तरीके से लास्ट वाली इसको थोड़ा सा ठीक से लिखिए आप लोग इसको वन ट्वेंटी एट और लास्ट वाली ये वन और नाइन और फाइव ऐड करके वन फोर्टी फोर और लास्ट में क्या हो जाएगा हंड्रेड प्लस सिक्सटी वन सिक्सटी दैट मीन्स कि आप सिक्सटीन का टेबल आराम से लिख सकते हो तो आप इन विंटर वेकेशन में आपको जो भी टेबल नहीं आती है आप इस तरीके से ऐड करके जो टेबल आती है उसके हेल्प से टेबल्स को लिख सकते हो ठीक है लिखने के बाद आपको लर्न तो करना ही है क्योंकि बाद में जब आप भी जब भी आप मैथ्स में यूज़ करोगे तो टेबल्स तो आपको आनी चाहिए तो आप अब क्लास फोर्थ में हो तो एटलीस्ट आपको फिफ्टीन तक टू से लेके कर फ़िफ्टीन तक की टेबल लर्न होनी चाहिए ओके तो जिन बच्चों को टेबल्स लर्न नहीं हैं वो अपनी टेबल्स इस तरीके से लिख लें पहले एड करके लिख सकते हैं आप और फिर उसके बाद आपको उस टेबल को लर्न करनी है ठीक है तो फिफ्टीन तक की टेबल हर बच्चे को लर्न होनी चाहिए विंटर वैकेशन के बाद मैं ओरल पूछूंगी आप लोगों से ठीक है तो लिखने की ट्रिक तो आपको पता लग गई है इस तरीके से आप कोई भी टेबल बड़ी अगर आपको देखो ट्वेंटी की टेबल आती है फाइव की टेबल आते ट्वेंटी फाइव की टेबल बना सकते हो आप है ना तो कोई भी नंबर बड़े बड़े जो टेबल आपको आती है उनसे जो नहीं आती है वो टेबल आप बना सकते हो ठीक है नाउ लुक एट दिस हाउ many कैट्स इसमें देखो एक पिक्चर है इसमें कैट्स के क्या दिख रहे हैं लेग्स दिख रहे हैं सबके लेग्स लेग्स दिख रहे हैं लेकिन हमको इनके वो नहीं पता लग रहा है कि कितने कैट्स इनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं तो आपको पता करना है कि हाउ मैनी कैट्स आर देयर देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते सम ऑफ द गायत्री कैट्स वर प्लेइंग इन अ बॉक्स वैन शी ट्राई टू काउंट ऑल शी कुर्सी वर लेग्स आपको लेग्स दिख रहे हैं इसको गायत्री को ठीक है सी का सी काउंटेड ट्वेंटी एट लेग्स हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स अब ट्वेंटी एट लेग्स दिख रहे हैं गायत्री को ठीक है और आपको पता है वन कैट के कितने लेग्स होते हैं यस फोर लेग्स होते हैं तो ट्वेंटी एट लेग्स टोटल दिख रहे हैं तो फोर ए वन का फोर हो गया तो अब हमने क्या कर लिया इसमें देखो एक टेबल बना ली देखो ठीक है टेबल बना ली ऊपर में लिख लिया हमने हाउ मैनी लेग्स लिख ली कितने लेग्स है और नीचे में लिख लिया हमने कैट्स कितने हैं ठीक है तो अगर हम फोर लेग्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कि वन कैट है एट लेग्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कितने कैट है टू कैट है फोर टू जाट है ठीक है अब फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री कैट थ्री ट्वेल्व लेग्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कितने कैट हैं थ्री कैट है क्योंकि फोर थ्री जा होता है फोर अब टेम टेबल्स आप पढ़ टेबल्स आपके हेल्प से आसानी से आपको पता लग जाएगा ठीक है फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे फोर की टेबल में फोर वन जा फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा ट्वेल्व के बाद सिक्सटीन फिर से फोर लेग्स और हम ऐड कर लें तो ये हो गए फोर फोर कैट्स ठीक है फोर फाइव जै ट्वेंटी अगर ट्वेंटी एट ट्वेंटी लेग्स दिख रहे हैं दैट कि कितने कैट हैं फाइव कैट हैं इसी तरीके से अगर ट्वेंटी फोर लेग्स दिख रहे हैं दैट मीन्स कितने कैट हो गए सिक्स कैट हो गए और इस तरीके से जब ट्वेंटी एट लेग्स दिख रहे हैं तो कितने कैट हो गए सेवन ठीक है और लास्ट में ट्वेंटी एट के बाद कितना हो गया थर्टी टू लेग्स दिख रहे हैं तो कितने हो जाएंगे एट कैट्स हो जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से हम ये table टेबल बना के ये टेबल्स हैं टेबल बना की टेबल बन गई है दो रो हैं इसमें इसमें एक टेबल बना ली हमने और इसमें हमको पता लग गया कि अगर इतने कैट इतने लेग्स हैं तो इतने कैट होंगे दैट मीन्स अगर ट्वेंटी एट लेग्स हैं तो कितना हो गया देखो आंसर ट्वेंटी एट लेग्स हैं तो कितने कैट हो गए सेवन कैट हो गए ठीक है तो आंसर कितना आ गया सेवन कैट सेवन कैट आ जाएंगे इसमें सो ट्वेंटी एट लेग्स मीन्स सेवन कैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बिलो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर मैं आपको अलग से भेज दूंगी आपको क्वेश्चन नंबर थ्री कर चुके क्वेश्चन नंबर फोर टेबल्स वाली थी और ये क्वेश्चन नंबर फाइव था ये था क्वेश्चन नंबर फाइव और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन सिक्स और सेवन इसमें ठीक है, है तो बिलो क्वेश्चन नंबर को ही काउंटेड ट्वेंटी एट लेग्स हाउ मैनी चिकन सार दियर अब आपको पता है इसमें भी ट्वेंटी एट लेग्स है लेकिन आपको पता है चिकन के कितने लेग्स होते हैं चिकन के दो लेग्स होते हैं तो अब हम क्या करेंगे ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट हम क्या हैं ट्वेंटी एट लेक्स टोटल हैं इसको अगर हम टू से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर टू वन जा टू और फिर उसके बाद इसको हम नीचे लिख लेंगे एट ये को तो ज़ीरो हो गया टू फोर जा एट ठीक है तो आंसर कितना आ गया फोर्टीन दैट मीन्स कि आंसर इसमें कितना आ जाएगा फोर्टीन लेक्स फोरटीन लेक्स आ जाएंगे इसके ठीक है और फोटीन चिकनस आ चिकन जाएंगे ठीक है ट्वेंटी एट लेग्स हैं दैट मीन्स कि कितने चिकन हैं फोर्टीन चिकन है इसी तरीके से इफ़ क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है बिलो हैज़ नॉट नॉट गॉन टू स्कूल लीला हैज़ नॉट टू स्कूल फॉर ट्वेंटी वन डेज ट्वेंटी वन डेज़ के लिए स्कूल नहीं गई फॉर हाउ मैनी वीक्स वॉज सी अवे फ्रॉम द स्कूल स्कूल से कितने कितने दिन वो स्कूल नहीं गए कितने वीक में कितने हफ्ते कितने वीक स्कूल नहीं गए और आपको पता है वन वीक में कितने डेज होते हैं सेवन डेज होते हैं ठीक है अब सेवन डेज होते हैं वन वीक में और ट्वेंटी वन टोटल डेज वो नहीं गई है तो सेवन से आप डिवाइड कर लोगे सेवन पार्ट्स में सेवन सेवन करके डिवाइड कर लोगे टेबल तो क्या कितनी हो जाएगी सेवन थ्री या ट्वेंटी वन तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास थ्री वीक्स ठीक है थ्री वीक्स आंसर आ जाएगा आप ठीक है अब हम नेक्स्ट देखते हैं अब ये जंपिंग एनिमल वाली आपने पिछले क्लास में भी पढ़ी हुई है फ्रॉग जंप करता थ्री स्टेप्स देखो फ्रॉग जंप थ्री स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो जीरो से स्टार्ट हो गए थ्री स्टेप जंप कर रहा है थ्री फिर उसके बाद फिर से थ्री तो सिक्स तो पे आ जाएगा फिर से थ्री तो नाइन पे आ जाएगा फिर से थ्री तो फिर ट्वेल्व में फिर से थ्री तो फिफ्टीन में इस तरीके से थ्री थ्री स्टेप्स करके जंप कर रहा है फ्रॉक काउंट द जम्प्स ही टेक्स टू रीच ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें देख लो ये कितना हो गया जंपिंग वाला क्वेश्चन नंबर सेवन की बात क्वेश्चन नंबर ठीक है ये क्वेश्चन नंबर हो गया तो कितने क्वेश्चन सो ही हैजेक ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी सेवन तक पहुंचने के लिए उसको कितने जम्प्स करने पड़ेंगे थ्री से डिवाइड कर लेते हैं तो कितने हो जाएंगे आप काउंट भी कर सकते हो आप काउंट भी कर लो कर, करोगे करो तभी भी आंसर मिल जाएगा जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन ट्वेंटी सेवन तक आने के लिए उसको कितने बार जंप करना पड़ेगा कितने बार जंप करना पड़ेगा नाइन बार जंप करना पड़ेगा आंसर ठीक है आंसर क्या आ गया नाइन देखो अगर जंप करते हुए देखोगे इस नंबर पैटर्न में तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना आ रहा है आंसर नाइन नाइन टाइम्स ट्वेंटी जब नौ बार जंप करेगा तब वो ट्वेंटी सेवन में पहुँचेगा फ्रॉक ठीक है तो क्या है अगर आपको थोड़ा सा अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको थोड़ा इनलाज करके दिखाती हूँ अब देखो सबसे पहले यहाँ वन ये यह फ्रॉग ने जंप किया कहाँ से जीरो से थ्री पे थ्री थ्री स्टेप जंप करता है उसके बाद नंबर टू सिक्स पे आ गया नंबर थ्री थर्ड जंप में नाइन पे आ गया थर्ड जंप, फोर्थ जंप में ट्वेल्व पे ठीक है थ्री थ्री स्टेप्स वो जंप करता है थ्री स्टेप्स अब उसके बाद फोर कितने वन टू थ्री फोर हो गए अब फिफ्थ जंप में कितना आएगा फिफ्टीन पे फिर सिक्स जंप में कहाँ पहुँचा ये एटीन में सेवन्थ में कितना पहुँचा ट्वेंटी वन फिर एट्थ में कहाँ पहुँचेगा ट्वेंटी फोर फिर उसके बाद नाइन्थ में कहाँ पहुँचा ट्वेंटी सेवन दैट मीन्स नौ बार देख लिया ना आपने कितनी बार जंप कर रहा है नौ बार जंप कर रहा है नाइन टाइम्स जंप कर रहा है ओके okay? और इसी चीज़ को आप आप सीधे सीधे डिवाइड करके भी कर सकते हैं अगर ट्वेंटी सेवन को थ्री टाइम्स थ्री से डिवाइड कर लेंगे तो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन नाइन आंसर आ गया इसी तरीके से फ्रॉक थर्टी सिक्स में थर्टी सिक्स स्टेप्स में नंबर पे कब पहुंचेगा कितने बार जंप करने में थ्री से फिर आप डिवाइड कर लो थर्टी सिक्स को या फिर आप काउंट कर लो थ्री से हम डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ गया थ्री वन जा थ्री थ्री वन जा थ्री और ज़ीरो सिक्स लिखा नीचे थ्री टू जा सिक्स दैट मीन्स के आंसर क्या आया ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व बार जब जंप करेगा तब वो कहाँ पहुँचेगा थर्टी सिक्स ओके okay? तो ट्वेल्व बार जब, जब, करेगा, 12 जब करेगा, जंप करेगा ट्वेल्व टाइम्स जब करे जंप करें करेगा फ्रॉक तभी वो थर्टी सिक्स पर पहुँच जाएगा इसी तरीके से ही इफ़ ही इज़ एट फोर्टी टू ही टेकन कितने जंप अब देखो अगर वो फोर्टी टू में पहुँच गया फ्रॉक कहाँ पहुँच गया 42 टू नंबर पे इसका मतलब उसने कितना जंप किया है तो फिर से आप थ्री से डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा थ्री वन जै थ्री 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 फोर जा ट्वेल्व दैट मीन्स फोर्टीन आ जाएगा आंसर ठीक है थ्री से डिवाइड करके देख लोगे इसको फोर्टी टू को अगर थ्री से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा देखो थ्री वन थ्री वन फिर टू नीचे आएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व तो आंसर क्या आ गया फोटीन ठीक है फोर्टीन जंप आ गया यानी कि फोर्टीन जंप करेगा जब जीरो से लेके फोर्टीन बार फोर्टीन बार जंप करेगा तो फोर्टीन नंबर पे वो फोर्टी टू पर पहुंचे पहुंच जाएगा ठीक है ना क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो ये क्वेश्चन नंबर हम डालेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन starting from zero a rabbit jumps five steps at a time ab rabbit kitna jump kar raha hai five steps rabbit frog rabbit to aur zyada jump kar sakta hai frog se zyada to frog three steps jump kar raha tha ek bar mein aur ab rabbit kitna jump kar raha hai five steps ठीक है तो five steps एक बार में jump जम्प कर रहा है तो जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो इन हाउ मेनी जम्प्स डज़ ही रीच ट्वेंटी फाइव आप फाइव 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 करके जंप कर रहे हैं तो आप फाइव की टेबल काउंट कर लो तो कितने बार में ट्वेंटी फाइव आ रहा है फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फोर जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव फाइव जा दैट मीन्स फाइव टाइम्स जब जंप करेगा तब वो ट्वेंटी फाइव पे पहुंचेगा ठीक है इसी तरीके से ही रीचेज डैश आफ्टर एट जंप अब एट जंप करेगा तो कहाँ पहुँचेगा अब रैबिट तो एट जा करेंगे फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री जा फिफ्टीन ऐसी करते करते जब फाइव एट जा पहुँचेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव एट जा फोर्टी तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें फोर्टी फाइव एट जा फोर्टी इसी तरीके से ई नीड्स डैश जम्प्स टू रीच फिफ्टी फाइव अब फिफ्टी फाइव तक पहुँचना है उस रेबिट को तो कितने बार जम्प करेगा देखो फाइव एक बार जम्प किया तो फ़ाइव पे दूसरी बार जम्प किया तो टेन पे पहुँचा तीसरी बार जम्प किया तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन पे पहुँचा और चौथी बार जम्प किया तो फाइव फोर जा ट्वेंटी फ़ाइव फोर जा ट्वेंटी पे पहुंचा तो इसी तरीके से जब टेन टाइम्स जंप कर लेगा तो फ़ाइव टेन या फिफ्टी हो जाएगा यानी कि फिफ्टी तक पहुंचेगा लेकिन इसमें तो फिफ्टी फ़ाइव है तो फिर क्या करना होगा फिफ्टी फाइव पर कब पहुंचेगा फाइव फिफ्टी के बाद फाइव और एक बार और जंप करेगा तो कितने पर पहुँच जाएगा फिफ्टी फाइव पर दैट मीन्स कितना आ जाएगा आंसर इसमें इलेवन टेन पे तो वो फिफ्टी पे पहुंच रहा है और उसके बाद एक और बार जंप करेगा तो आंसर हो जाएगा आपका ठीक है तो कितना आ जाएगा आंसर इलेवन जम्प्स ओके नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन और इसको इसमें इसमें अलग अलग पार्ट हैं आपके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे तो इसको आपने आप तो डिवीजन तो आपने सीख समझ ही गए होंगे कैसे है ना, मैं एक करके दिखाती हूँ आपको सपोज़ ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई अच्छा मैं दिखाती हूँ आपको फिफ्टी uh, सिक्स uh, या फिर क्वेश्चन आंसर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर टेन का थर्ड पार्ट ठीक है क्या करना है इसमें क्वेश्चन नंबर टेन का थर्ड पार्ट में क्या करना है फोर्टी एट को डिवाइड करना है किससे फोर से ठीक है जैसे ये लिखा हुआ है फोर्टी एट डिवाइडेड बाई फोर तो ये क्या हो गया दिस इज dividend दिस इज डिवाइजर डिवाइजर को हम यहाँ लिखते हैं और dividend को हम यहाँ लिखते हैं ठीक है बीच में लिख लेते हैं अब हम डिवाइड करके देखते हैं देखो क्या आया आंसर फोर्थ से आपको डिवाइड करना है तो आप जब भी डिवाइड करोगे आप क्वेश्चन को ऊपर लिखना है ऊपर लिखोगे ध्यान रहे आप क्वेश्चन को ऊपर ही लिखोगे ठीक है तो वन बाय वन सबसे पहले हम फोर को डिवाइड कर रहे हैं फोर से फोर को डिवाइड करें तो जस्ट इसके ऊपर में यहाँ लिखेंगे हम फोर के ऊपर में तो फोर वन जा फोर ओके नाउ सब्ट्रैक्टेड माइनस करोगे तो क्या आया ज़ीरो अब नेक्स्ट नंबर की चांस है तो नेक्स्ट नंबर को हम नीचे लिख लेंगे अब आ गया हमारे पास एट अब हम जब डिवाइड करेंगे अब हम ऐट को डिवाइड अब डिविडेंड हमारा एट हो गया तो अब फोर से हम ऐट को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स फोर टू जाट तो हम इसी जो एट है इसके ऊपर में हम लिखेंगे क्वेश्चन को ठीक है एट को डिवाइड कर रहे हैं एट के ऊपर में लिखेंगे फोर टू जाट और फिर से हम सब करेंगे तो क्या आ गया फिर से ज़ीरो अब एट के बाद और कोई नंबर नहीं है तो ये हमारा लास्ट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आया ट्वेल्व ठीक है तो हम लिखेंगे लिख लेंगे क्या आपको आंसर डिवाइड करना है उसको पूरा लिखना है आंसर कैसे लिखोगे डिवाइड करके शो करोगे और उसके बाद राइट साइड पे लिख लोगे कैसे लिखो क्या लिखोगे मैं आपको दिखाती हूँ एक लिख के सारे लिखने हैं सबसे पहले आपने क्या लिखना है डिवाइजर या फिर आप सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं चलो uh, क्वेश्चन लिखते हैं सबसे ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर इसमें क्वेश्चन इसमें स्पेस नहीं हो रही है थोड़ी सी जगह स्पेस नहीं है तो मैं आपको इसको इरेज करके दिखाती हूँ जैसे आपने क्वेश्चन नंबर टेन का थर्ड पार्ट आपने लिखा थर्ड पार्ट में क्या है फोर्टी एट डिवाइडेड बाय फोर ठीक है फिर आपने नीचे क्या कर लिया फोर्टी एट को डिवाइड कर लिया फोर्टी एट को डिवाइड कर लिया फ़ोर से फोर से डिवाइड कर लिया ठीक है अब आपने क्या लिखना है आंसर तो सबसे ऊपर में क्या है क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं आपको ये लिखना तो मैंने पहले भी बताया था क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आ रहा है इस पर मेरी स्पेस नहीं हो रही है. आप उसी के आगे लिखोगे क्वेश्चन आ गया ट्वेल्व ठीक है क्वेश्चन के बाद उसके नीचे क्या है डिविडेंट डिविडेंट तो आप इसको लिखेंगे डिविडेंट डिविडेंट लिख लेंगे कितना आ गया फोर्टी एट और उसके आगे लेफ्ट साइड में क्या है डिवाइजर है आप प्रॉपर मैं लिख नहीं पा रही हूँ इस पे स्क्रीन पे आप लोग इसमें प्रॉपर लिखिएगा अपने नोटबुक में डिवाइजर डिवाइजर कितना आ जाएगा डिवाइजर आ गया फोर डिवाइजर तो फोर है ये डिवाइजर है ये डिविडेंड है और रिमाइंडर कितना लिखेंगे रिमाइंडर भी लिखना है आपने ओके रिमाइंडर आएगा तो रिमाइंडर लिखोगे नहीं आएगा तो क्या रिमाइंडर क्या है इसमें रिमाइंडर अभी कुछ नहीं बचा है तो रिमाइंडर जीरो है ठीक है तो इस तरीके से पूरा आंसर आपने लिखना है डिवीजन भी लिखना है डिवीजन आपको शो करना है अपनी कॉपी में उसके बाद क्वेश्चन डिवी, डिवाइजर डिविडन रिमाइंडर सारे लिखने हैं आके ओके तो ये आज आपका आज का काम अभी इतना ही हम करेंगे दिस इज फॉर टुडे